Yeah!
आया? मुलाकातें करकर और अपनी बात को आपके
बीच रखकर अपनी इंतखाबी सरगर्मी को जारी रखी हुई है। और आप यकीन माने, मैं मुंबई का, भिवंडी का और दीगर मुकामात का दौरा करता हुआ आवाज आपके पास से किया था और आज फिर आपके दरमियान में हूँ। और ये बात कहना चाहूँगा कि एक नया जोश, एक नया वलवला, एक नई उम्मीद पाई जाती है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और आपकी दुआएं रही, आपका ताबून रहा, तो इस मरतबा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गैर मामूली कामयाबी हासिल करेगी और महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम रोल भी अदा करेगी। मुसलसिल तकारीरें होती रही हैं और हम आपसे मुखातिब होते रहे हैं और जहां कहीं भी हमारे खुतबात हुए, आप तमाम ने तफसील के साथ उन खुतबात को सुना भी है। बस यही कहूँगा कि आज हमको और आपको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है और अपनी आवाज़, अपनी पहचान, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में ज़्यादा से ज़्यादा और डालकर भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब करना होगा, क्योंकि ये एक हकीकत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी अपनी जमात है और इस जमात की कामयाबी आपकी कामयाबी है। मैं यहाँ आपके दरमियान में आपसे यही अपील करने के लिए आया हूँ, यही दरख्वास्त करने के लिए आया हूँ कि आप अपनी वाबस्तगी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कायम रखें और अपनी मोहब्बत को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जारी रखें और अपनी दुआओं में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए भी दुआ करें। यही एक अपील है, एक दरख्वास्त है जिसको लेकर आपके दरमियान में आया हो। उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख के दिन आप अपने घर के हर फर्द को ले जाएंगे और अलग सुबह अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करेंगे। और आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इम्तियाजी निशान पतन है, तो पतन पे बटन दबाइए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। 6 नंबर पर आपके अपने उम्मीदवार का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो वोटिंग का नंबर है वो 6 है, तो वहाँ पे बटन दबाइए, पतन का निशान रहेगा, इम्तियाज जलील साहब का नाम रहेगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की रात पर कामिल भरोसा है, आपके दुआओं पर मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूर कामयाब करेगा। मैं आखिर में आप तमाम से मोहतरम शाही करता हूँ। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं पैदल चलूँ और सबसे मुलाकात कर सकूँ, क्योंकि मैं मिलने आया था आपसे, मुसाफा करने के लिए आया था, आपके दुआएं लेने के लिए आया था, आपको गले लगाने के लिए आया था ताकि आपकी ईमान की हरारत मुझ में आए और मेरे जज्बे को और ताकत मिले। बस यही ख्वाहिश थी, इसलिए आया हूं। यकीन मानिए, बहुत थका हुआ हूं, तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन वादा था कि आऊंगा, इसलिए पलट कर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि 23 तारीख के आपके जश्न में मुझे भी मौका देंगे आपके साथ मजलिस की कामयाबी की खुशियों को मनाने का। तो बहरहाल मेरे बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मेरी माँओं से, बहनों से,
खवातीन से सबसे मेरी अपील है कि आप अपना कीमती और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में लें। इंशाअल्लाह और तकारीर होंगे, आगे भी आपसे मुखातिब करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।